अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए फिर आज हम इस तरह से यमी डिलीशियस सा हड्डी गुड्डी का सालन बनाते हैं, ग्रेवी जो खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। चलिए तो फिर हम इस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 kg के करीब ऑनियन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे हड्डी गुड्डी का सालन बना रही हूँ। हमने हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लाइट पिंक गुलाबी ओनियन फ्राई हो गई है। चलिए तो फिर हम इसमें हड्डी गुड्डी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg के करीब हड्डी लिया हुआ है। आज हम हड्डी का सालन बनाएंगे। पे हम 4 से 5 चम्मच के करीब जिंगर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 10 से 15 पीस हम यहाँ पे हरी मिर्च का ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मसाले में लिया हुआ है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कोरिंडर पाउडर ऐड किया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे मिक्स करके। मसाले ऐड कर दिए हैं और इसे 5 मिनट भून दिया है। अब चलिए हम यहाँ पे 1.5 बाउल के करीब पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बाउल डाला है, 1/2 बाउल और डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल पानी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुकर की लिड को बंद कर देंगे। और हम इन्हें 2 से 4 सीटी देने के बाद फिर हम इसे देखेंगे। यहाँ पे अब हम कुकर की लिड को खोल देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने कुकर की लिड को खोल दिया है। और ये देखिए 2.5 घंटे में सालन बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए तो फिर हम इसे ना सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। आपको ये यमी डिलीशियस रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।